चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्लॉक, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक, कंसेप्ट ऑफ क्लॉक। रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार अगर आपका इसमें कंसेप्ट बन गया तो ये आगे तक काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे SSC का, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, चाहे कैंपस इंटरव्यू, हर जगह काम आने वाला चैप्टर है। सिंपल है, केवल एक सिंगल फॉर्मूले से मैं आपको क्लॉक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पर क्लॉक स्टार्ट करने से पहले हम क्लॉक के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझें। सबसे पहले हम बात करें कि क्लॉक का फंडामेंटल लॉजिक क्या है। क्लॉक के साथ ही समझेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, अगर हम बात करें, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन एवरी आवर द टू एंड कॉन्साइड वन, मतलब हर घंटे में मिनट और घंटे वाला काटा केवल एक बार मिलता है। अगर आप कोई भी एक टाइम सेट कर लें, जैसे अभी मान लीजिए मैंने 8 o'clock सेट किया। देखिए, ये मैंने 8 o'clock सेट किया। अब जब मैं 8 to 9 में जाऊंगा तो देखिए क्या होगा। ये एक बार मिले, एक दूसरे को ओवरलैप करा, कोइंसाइड है, मतलब ये वन टाइम मिला, यानी एवरी आर वन टाइम मीट करते हैं। एक चीज भी फिर होता है कि एक घंटे में मूवमेंट कितना होता है। ईच आर स्पेस इक्वल 360/12 30 degrees। हर घंटे में, जैसे ये अभी देखिए 9 है, अगर हम टोटल क्लॉक को देखें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 के पार्ट को हम समझें तो घंटे वाला काटा जब भी होता है वो 9 से 10 पे आएगा, 10 से 11 पे आएगा, 11 से 12 पर, मिनट वाला एक घंटे में पूरा 360 मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 hour में, ये 12 पार्ट हुए, तो 1 hour में घंटे वाला जो काटा है, आर एंड जो है, वो 30 डिग्री का मूवमेंट लेगा, 30 डिग्री का। और अगर हम मिनट वाले की बात करेंगे तो 360/60, क्योंकि ये 60 मिनट कंप्लीट हुआ तो 6 डिग्री का मूवमेंट आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम राइट एंगल की। राइट एंगल का मतलब क्या है समझिए। ये जैसे देखिए, अभी ये राइट एंगल पे है। अब ये, इसको अगर मैं घड़ी को चलाऊं तो क्या होगा, देखिए एक बार ये और राइट एंगल पे हो सकती है, यानी हर घंटे में 2 times राइट एंगल मिलता है। ओके, हर घंटे में हमको 2 times राइट एंगल मिलता है 50 मिनट के गैप से। फिर बात करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन कब होगी। तो अपोजिट का मतलब देखिए क्या है, पहले ये सेम है, एक दूसरे के ऊपर है, ये अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये 30 मिनट का हमको डिफरेंस आएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये कितने बार एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे तो इस समय एंगल कितना होगा, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे तो एंगल 0 degrees होगा, जब अपोजिट होंगे तो एंगल 180 degrees होगा, जब राइट एंगल होंगे तो एंगल 90 degrees होगा। इसके अलावा आपको एंगल कई बार फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। अब बात करते हैं कि पर आर, एक घंटे में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन होती है, कितनी बार मिलते हैं और कितनी बार राइट एंगल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अपोजिट के लिए हम बात करें, या पहले हम बात करते हैं कोइंसाइड के लिए कितने बार मिलते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो समझना जरूरी है। कई बार दिमाग में आता है कि 12 घंटे में 12 बार ही मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, 11 से 1 के बीच में 12 कॉमन पॉइंट होता है, 11 से 12 का और 12 से 1 का, इसलिए एक कम हो जाता है। यानी इसका मतलब टोटल 24 hours में, टोटल 24 hours में अपोजिट डायरेक्शन होगी, सॉरी कोइंसाइड करेंगे 22 times। क्लियर है बात, 22 times, मतलब एक दूसरे के ऊपर 22 बार होंगे 24 घंटे में। और 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो 12 घंटे में 90 डिग्री 22 times होते हैं। इसमें भी ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि हर घंटे में 2 times होते हैं तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं, 24 times क्यों नहीं। ऐसा इसलिए कि 2 से 4 के बीच में, ध्यान रखिए 2 से 4 के बीच में और 8 टू 10 के बीच में 4 times नहीं होते, 3 times होते हैं। 3 o'clock कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर 9 o'clock कॉमन पॉइंट होता है। इसका मतलब पर डे अगर आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री कितने बार होते हैं तो आप बोलेंगे 44 times पर डे। सेम डायरेक्शन में कौन साइड कितने बार करते हैं, 22 times।
ये बेसिक लॉजिक है। अब देखिए, अभी मैंने जो बात बोली उस बात को हम समझते हैं कि अपोजिट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेम। तो देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया 12 बजे से स्टार्ट किया, बल्कि 1 बजे से करते हैं। अब देखिए, 1 बजे से स्टार्ट किया, अभी एक बार समझा दूं, फिर क्वेश्चन आप बहुत सिंपल और सिंगल फॉर्मूले से कर पाएंगे। अभी 1 बज रहा है, अब ये देखिए एक बार मिले, अब ये खत्म हो गया, अब ये आ गया 2 o'clock। अब एक बार फिर मिले, ये आ गया 3 o'clock। अगेन एक बार फिर मिले, मतलब हर घंटे में आप ध्यान से देख रहे हैं, एक एक बार मिल रहे हैं। पर अब देखिएगा आप कि जब 11 पे आएगा तो क्या होता है। 11 पे आने पर जब हम ठीक 11 पे आएंगे, देखिए ये 11 पे आए, अब आप समझिएगा, अब ये 11 पे आए, अब 11 के बाद मैंने 1 o'clock से स्टार्ट किया, तो ध्यान रखिएगा, अब 11 के बाद जब ये मिलेगा तो ये ठीक 12 पे ही मिलता है, और ठीक 12 पे मिलने के वजह से ये एक हुआ, और 12 से 1 के बीच में मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये मूव कर जाता है और ये 12 तक आता है। इसलिए आपको 11 से 1 के बीच में वो एक बार सेम डायरेक्शन में होता है, कोइंसाइड करता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 times, मतलब एक दिन में 22 बार मिलते हैं। और यही बात यहाँ पर होती है जब हम बात करते हैं 90 degree की, तो 90 degree में भी वही कंसेप्ट है कि बिटवीन 2 and 4 3 times होता है, बिटवीन 8 and 10 भी 3 times होता है। इसको भी अगर हम एग्जांपल से समझें तो जल्दी समझेंगे आप। अपन 12 बजे करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि टाइम ठीक 12 o'clock है। देखिए ये हो गया टाइम 12 o'clock, ओके। अब 12 के बाद हम समझें तो ये 15 मिनट के बाद लगभग 90 डिग्री होगा, ये मान लीजिए एक 90 हुआ और एक 90 ये सपोज हो, ये 2 times हुआ। अब 1 के बाद आए, 1 से 2 में ये देखिए लगभग एक बार 90 ये हुआ और एक बार 90 यहाँ हुआ, कितने डिग्री पे होगा ये भी हम निकालेंगे अभी, ये होगा। पर जब हम 2 o'clock पे आते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 o'clock पे जब हम आते हैं तो अभी तो ये ऐसी पोजिशन पे, अब 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, अब ये जब क्रॉस करेगा तो ही ये 90 डिग्री आएगा यहाँ कहीं पे, इसके बाद ये 90 आएगा ही नहीं। अब ठीक 3 पे 90 है, अब 3 के बाद 90 ये इधर कहीं पे आएगा, बात क्लियर है। इसलिए ऐसा होता है कि 2 से 4 में एक बार कम हो गया, एक बार 8 टू 10 में कम हो गया, कॉमन हो गया। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि 12 घंटे में 22 बार, इसलिए 24 घंटे में 44 बार। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। अब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको एंगल बताना होता है वो बताता हूँ। 2 types की वैरायटी होती है। नॉर्मली एक बार आपको टाइम देंगे, एंगल पूछेंगे, एंगल किसके बीच में पूछेंगे, सेकंड को काउंट नहीं करते, एंगल पूछेंगे मिनट वाले और घंटे वाले कांटे के बीच में, मिनट एंड और आर एंड के बीच में एंगल पूछा जाएगा, वो बताना रहेगा। अच्छा, दूसरा, कई बार आपको एंगल दे सकते हैं और टाइम पूछ सकते हैं, ये 2 types होती हैं। तो हम टाइप नंबर पहले 1 पे आएंगे, टाइप नंबर 1 होगी जिसमें कि टाइम दिया होगा और एंगल पूछा होगा। इसके 2 तरीके होंगे, एक मैं आपको प्रॉपर लॉजिक से बताता हूँ और एक शॉर्टकट फार्मूला। और शॉर्टकट फार्मूला ऐसा है जिससे आप टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन, मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द आर एंड एंड द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज, अपन अब टाइम एक एक करके लेते हैं, घंटे और मिनट के बीच का एंगल बताना है जब टाइम क्या हो। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लीजिए टाइम है 2:40, ओके, टाइम है 2:40। अब एक कंसेप्ट हम समझते हैं कि मान लीजिए मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कैसे करूँगा, मेरे करने का तरीका क्या होगा। एक इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी स्ट्रांग होगी तो आप क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। ये 12 हो गया, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5,
सेवन एट टेन इलेवन। अब टू ओ क्लॉक, 2:40 का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, 40 मतलब मिनट वाला यहाँ कहीं होगा और ये 2:40 है तो ये कहीं यहाँ पे कहीं होगा। अब आपको ये एंगल बताना है, ओके। अब समझिए कि ठीक 2:00 पे पोजीशन ऐसी होती कुछ ये। अब ये भी मूव करेगा, घंटे वाला भी मूव करेगा, मिनट वाला भी करेगा। अब मिनट वाले ने कितना किया, पर 12 से 1 के बीच में मिनट 30 डिग्री मूव करता है, 1 से 2 में 30 डिग्री। तो हम समझें कि यहाँ पे 2:00 के बाद करें तो इसके बाद ऑब्वियसली कि घंटे वाला भी मूव करा है, कितना मूव करा, 40 मिनट। एक मिनट में आधा डिग्री घंटे वाला काटा मूव करता है, ये बस ध्यान रखना है। मिनट वाला अब देखिए, अब यहाँ से देखें मिनट का, तो ये 30 डिग्री हुआ, पर हम यहाँ की जगह यहाँ से भी गिन सकते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 60 90 120 150। अब ये 150 है और इधर पीछे जाएंगे तो 20 मिनट पहले की बात कर रहे हैं, तो 20 मिनट पहले की बात कर रहे हैं, यानी पर मिनट आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो टोटल हुआ 160 डिग्री। तो आंसर होगा एंगल इक्वल टू 160 डिग्री। एक तो तरीका ये हुआ। एक मैं आपको बहुत सिंपल और अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें आपको उलझना नहीं पड़ेगा, एंगल थीटा इक्वल टू 60H माइनस 11M बाय 2। क्या फॉर्मूला है, 60H माइनस 11M बाय 2। अगर मैं इसमें 60H की जगह 2 रख दूँ, H मतलब घंटे के लिए, 11 इंटू 40 बाय जब 2 करूँगा तो क्या आएगा, देखिए ये हुआ, तू चाहो तो कैंसिल कर सकता हो, तो 60 माइनस 11 इंटू 20, तो 60 माइनस 200 220, तो ये हुआ कितना, 220 माइनस 60 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 160 डिग्री। क्लियर है बात, माइनस ऑफ 160 डिग्री। ये देखिए मैंने 160 निकाला है। अब माइनस का सिग्निफिकेंट क्या है वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये फॉर्मूला बनाया तो इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखते हुए बनाया था कि जो आर एंड है, एच वाला है, घंटे वाला काटा है वो आगे है और मिनट वाला पीछे। जब भी घंटे वाले काटे को मिनट वाला काटा क्रॉस करके जाएगा तो एंगल हमेशा निगेटिव में आएगा, बाकी निगेटिव एंगल नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका सिग्निफिकेंट क्या, ये आंसर गलत नहीं है। तो आपने लॉजिक से करा, 160 डिग्री काउंट किया, आपने मेथड से किया, आपने 160 डिग्री काउंट किया, यानी आप फॉर्मूले से भी उतनी ही जल्दी कर सकते हैं और लॉजिक से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, पर कहीं उलझ रहे हो तो गो फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूला है 60H माइनस 11M बाय 2। एच जो दिया होगा वो रखिए घंटे वाले जगह पे, आर सेंट पे, और मिनट पर एम रख दीजिए। आगे जाके जब टाइप 2 पढ़ेंगे तो टाइम जब वो एंगल गिवन होगा, मिनट पूछेंगे, तो भी हम यही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।